एक तरफ यूपी सरकार अच्छी मेडिकल सुविधा और इलाज देने के वादे करती है, तो दूसरी तरफ प्रशासन और कुछ अधिकारियों की लापरवाही से स्वास्थ्य विभाग की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। बदायूं से 50 किलोमीटर दूर बिलसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत ऐसी ही है। चारों तरफ बढ़ी हुई घास और झाड़ियां हैं, हर तरफ गंदगी का अंबार नजर आता है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा है और तो और केवल एक फार्मासिस्ट के भरोसे पर चल रहा है। डॉक्टर तो नहीं पर सांप यहाँ अक्सर ही नजर आते रहते हैं। इलाज क्या है, हल्की फुल्की दवाइयाँ होती हैं वो तो हम यहाँ देते ही हैं, ज्यादा सीरियस होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। गंदगी का आपको क्या बताएं, आप दिन में सांप और जहरीले जानवर जंगली घूमते हैं और कई बार तो बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, अस्पताल के अंदर कमरों के अंदर निकलते हैं। अब यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है ना, और बरसात में तो ये हालत होता है, सड़क पे घूमते हैं। अस्पताल के कमरों के अंदर लगे हुए दरवाजे टूटे हुए हैं, जच्चा बच्चा केंद्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहाँ कोई इलाज नहीं होता। जो डॉक्टर हैं भी उन्हें सहसवान में अटैच कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोई मरीज आता है तो उसकी जान भगवान भरोसे रहती है। बदायूं से करीब 35 किलोमीटर दूर उगैती का ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। यहाँ जो डॉक्टर मौजूद हैं, उनको भी सहसवान से अटैच कर दिया गया है। ऐसे में कोई इमरजेंसी हो और एक कोई पेशेंट आ जाए तो यहाँ इलाज की कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है, और उसकी अस्पताल के ग्राउंड के अंदर भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासें हैं। कई बार यहाँ अस्पताल के प्रांगण में या अस्पताल के अंदर भी सांप निकल आते हैं, जिससे डॉक्टर से लेकर मरीज तक में डर का माहौल रहता है। क्रांतिवीर सिंह, बदायूं, ईटीवी भारत। डॉक्टरों की कमी और अस्पताल में सांपों का नजर आना, इन सब को देखकर सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही पीएम मोदी का स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना पूरा होगा।